तेज दिन कंस्ट्रक्शन के साथ बहरिया वसीनिटी का सबसे मेगा प्रोजेक्ट जिसके हवाले से आज मैं आपको ब्रीफिंग देने जा रही हूँ, क्या इस वक्त कंस्ट्रक्शन अपडेट है और क्या यहाँ पे आपको मुनासिब प्राइस पे जो एक ज़बरदस्त इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर किया जा रहा है कमर्शियल्स और अपार्टमेंट्स के अंदर, और आने वाले वक्त में आपको वो क्या बेनिफिट देकर जाता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो घंटे क्लास में देखिएगा ताकि आपके तमाम सवाल को मैं क्लियर कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अलमास नूर फार्म्स का रियल्टर्स। आई जस्ट होप आप सब खैरियत से होंगे और खुदा बारी ताला की नेमतों से खूब तरीके से महसूस हो रहे होंगे। व्यूअर्स, आज जिस प्रोजेक्ट के हवाले से आपको ब्रीफिंग देने जा रही हूँ, इससे पहले भी मैंने काफ़ी बार इसके बारे में बात की, आपने चैनल पर मेरी इसके हवाले से वीडियोज़ भी देखी होंगी जिसमें मैंने इसके जो है लोकेशन के हवाले से आपको इन्फॉर्म किया, डिवेलपर हिस्ट्री जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उसके हवाले से आगाह किया, इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन अपडेट है और आने वाले वक्त में ये प्रोजेक्ट क्या आपको बेनिफिट देकर जा सकता है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस की। मगर आज की इस वीडियो में थोड़ा सा आपको और इन चीज़ों को एलैबोरेट करूँगी ताकि यहाँ पे जो भी शख्स इन्वेस्टमेंट करता है उसको ये चीज़ें क्लियर हो सके, यहाँ पे उसको क्यों अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्या आने वाले वक्त में उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है या फिर नहीं। तो व्यूअर्स, बात हो रही है बहरिया स्काई की जो कि मेन रायवन रोड की प्राइम लोकेशन पर मौजूद है, बहरिया ऑर्चिड फेज 4 के अंदर। और अगर हम इसकी इस वक्त कंस्ट्रक्शन अपडेट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ तरीन कंस्ट्रक्शन के साथ ये प्रोजेक्ट आपको ऑफर किया जा रहा है। सिर्फ 3 से 4 माह पहले ये प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है और इतने कम टाइम के अंदर जो है इसकी बेसमेंट कंप्लीट की जा चुकी है और अब जो है बेसमेंट के लेंटर के ऊपर काम चल रहा है जो कि इंशाल्लाह जल्द ही फिनिशिंग की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आने वाले 4 से 5 वीक्स की बात की जाए तो आपको ग्राउंड फ्लोर की एग्जिस्टेंस भी नज़र आ रही होगी। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, कमर्शियल शॉप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, 1, 2 और 3 बेड के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। उनको मैं बताती चलूँ कि ये बहरिया वसीनिटी का एक वो प्रोजेक्ट है जो आपको इंतहाई मुनासिब इंस्टॉलमेंट के साथ साथ ऑफर किया जा रहा है और इसके साथ जो डेवलपर हिस्ट्री है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप जब भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं डेवलपर हिस्ट्री काफ़ी मैटर करती है। आया कि डेवलपर जो है वहाँ पे अपने वादे के मुताबिक कंस्ट्रक्शन कर भी रहा है या नहीं, और क्या ये उस टाइम पीरियड के अंदर इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करके डिलीवर कर देगा जो आपके साथ वादा किया गया है या फिर नहीं। तो अब तक की जो है अगर हम इसकी प्रीवियस हिस्ट्री को भी देखें तो ओजी डेवलपर्स ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी अपनी कंस्ट्रक्शन के हवाले से काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और अब जो है ये बहरिया स्काई के नाम का एक बड़ा मॉल बनने जा रहा है जिसके अंदर आपको कमर्शियल शॉप्स, आउटलेट्स और अपार्टमेंट्स, पेंट हाउसेज और कॉर्पोरेट ऑफिसेज ऑफर किए जा रहे हैं। अपार्टमेंट्स के हवाले से अगर मैं बताती चलूँ तो सबसे कम बजट, सबसे कम रेट जो इस वक्त रायवन रोड की लोकेशन पर ऑफर किया जा रहा है या लाहौर की अगर हम दूसरी इनिशियल स्टेजेस पे जो बिल्डिंग्स, जो मॉल्स बनाए जा रहे हैं उनके हवाले से भी बात करें तो सबसे मुनासिब बजट जो है सिर्फ बहरिया स्काई आपको ऑफर कर रहा है, जहाँ सिर्फ 12,500 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट आपको दिया जा रहा है। और अगर हम इसके सराउंडिंग की बात करें तो इसके बिल्कुल बहरिया स्काई के अपोजिट साइड पर टाइम स्क्वायर मॉल बन रहा है, इसके जो है लेफ्ट साइड पे एसक्यू मॉल बन रहा है और इसके बिल्कुल जो है बैक साइड पे बैक 60 फीट वाइड रोड के ऊपर ऑर्चर्ड मॉल जो जिसका इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर मौजूद है। और अगर हम उनके रेट्स के हवाले से बात करें तो आपको वो रेट्स बहरिया स्काई से हाई ही देखने को मिलेंगे, लेकिन बहरिया स्काई खास इसलिए है क्योंकि आने वाले वक्त का एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होने जा रहा है। अगर हम इसके सराउंडिंग के हवाले से बात करें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ लाहौर की नामवर यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स और काफ़ी अच्छी सोसाइटीज़ आ रही हैं और इस एरिया के अंदर ऐसा कोई भी इस वक्त मॉल मौजूद नहीं है जो कि आने वाले वक्त में बहरिया की इस लोकेशन को काफ़ी ज़्यादा एक फुटफॉल वाला एरिया बना दे। तो बहरिया स्काई एक ऐसा ही फुटफॉल एरिया बनने जा रहा है आने वाले फ्यूचर में। तो इस वक्त अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं बिल्कुल इनिशियल रेट्स के ऊपर तो आने वाले वक्त में 3 से 4 साल में आप यहाँ से एक अच्छा खासा गेन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल या अपार्टमेंट एक वो चीज़ होती है जिसका आपको अच्छा खासा रेंटल मिल जाता है। मुल्की हालात कुछ भी हो, जो है पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी हो, जो एक अच्छा डेवलपर होता है वो अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर भी करता है और लोग जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और बाकी मामला भी साथ साथ चलते रहते हैं। तो बहरिया स्काई की अगर मैं इस वक्त कंस्ट्रक्शन अपडेट के हवाले से बात करूँ तो आप भी अगर एक अच्छे बजट के अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं तो एक बार बहरिया स्काई को विजिट ज़रूर कीजिए, इसको ज़रूर कंसिडर कीजिए। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है, बहरिया स्काई के हवाले से कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो राबता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको पूरी मालूमात फराहम की जाएगी। और अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई हो तो लाइक का बटन क्लिक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सून आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो एंड न्यू अपडेट। स्टे ट्यून्ड टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।